दोस्तों, अगर आपने किसी पार्टी को चेक पे पेमेंट किए थे और किसी कारण उसी चेक पे गलत अमाउंट डाल दिए थे, उसी चेक को आप ऑनलाइन पे ब्लॉक भी कर सकते हैं। जिस तरह एटीएम कार्ड ब्लॉक करने का फैसिलिटी होता है ऑनलाइन पे, ठीक उसी तरह चेक बुक का भी ब्लॉक करने का ऑप्शन ऑनलाइन पे मिल जाता है। आप ऑनलाइन पे चेक बुक का पर्टिकुलर नंबर देकर उसी चेक को आप बड़े आसानी से ब्लॉक भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी चेक बुक कहीं खो गया है, इसको भी आप ऑनलाइन पे ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप चेक पेमेंट। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो दोस्तों, चेक पेमेंट को ब्लॉक करने के लिए आपको ऑनलाइन SBI आना होगा। वही पोर्टल खोलने के बाद आपको लॉग इन करना होगा। इधर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड देकर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको ऊपर से बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जिसी तरह माई अकाउंट, प्रोफाइल, पेमेंट ट्रांसफर, बिल पेमेंट और लास्ट पे जो रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी है वही पर क्लिक करें। वही पर क्लिक करते ही आपको एक नज़र आ जाएगा चेक बुक सर्विसेस, उसी पर आपको क्लिक करना होगा। उसी पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉप चेक पेमेंट, उसी पर क्लिक करना होगा। उसी पर क्लिक करते ही आपको ऊपर से नजर आ जाएगा स्टॉप चेक पेमेंट और एक ऑप्शन है रिवोक स्टॉप चेक इंस्ट्रक्शन एंड व्यू स्टॉप चेक्स। ये लास्ट पे काम आता है, अगर आपने किसी चेक को ब्लॉक किया है उसी का स्टेटस जानने के लिए आप व्यू स्टॉप चेक रिक्वेस्ट का इधर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अभी क्या करना होगा, जिस पार्टी को आपने गलत अमाउंट लिखकर चेक पेमेंट किए थे उसी चेक को स्टॉप करने के लिए इधर चेक नंबर देना होगा। मान लीजिए आपका चेक नंबर है 0000731 2, इसी चेक पे मैंने मेरे पार्टी को गलत अमाउंट दे दिया था और उसी चेक को स्टॉप करने के लिए आप एंड चेक नंबर पे भी वही सेम नंबर एंटर करें। यानी कि जिस पार्टी को आपने पेमेंट किए थे चेक पे वही चेक नंबर इधर एंटर करना होगा स्टार्ट चेक नंबर पे, और एंड चेक नंबर पे भी वही सेम नंबर एंटर करना होगा। अगर आपकी चेक बुक सारा का सारा कहीं खो गया है तो आप चेक नंबर फर्स्ट से, ये मेरा 12 है, अभी 12 पे आपकी चेक बुक जितना पेज है आपका 73, वैसी चेक बुक लास्ट तक एंटर कर दीजिए। मान लीजिए आपके चेक बुक पे 12 से 50 नंबर तक चेक था, उसी सारा का सारा चेक ब्लॉक करने के लिए इधर एंड चेक नंबर पे इसी नंबर चूज कर दीजिए, ये सारा का सारा चेक बुक ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपकी चेक नॉर्मल चेक था या मल्टी सिटी चेक था वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद स्टॉप रीजन पे आपको सिलेक्ट करना होगा, किस लिए आप वो स्टॉप करवाना चाहते हो। इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, इश्यू एंड एरर, अगर कुछ गलत चेक बुक पे मेंशन किया है आपके अकाउंट नंबर वगैरह तो इसे आप इसी को सिलेक्ट करके ब्लॉक कर सकते हैं। अदर चोरी हो गया तो स्टोलन सिलेक्ट करें, अदर लॉस्ट इन पोस्ट तो यो इसको चूज करें, और आपने किसी कारण गलत अमाउंट डाल दिया था तो अदर सिलेक्ट करके आई एक्सेप्ट एंड कंडीशन पर टिक करें। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको डिटेल्स फिर से दिखाई देगा, उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। कंफर्म बटन पर क्लिक करते ही आपकी मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वही OTP सबमिट करके आप चेक को टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला होगा। इसी तरह नया नया टेक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।